नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। और आज हमारे कार्यक्रम का चर्चा का विषय है मैकॉले की शिक्षा नीति। सन 1835 में लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति को मिनट ऑफ इंडियन एडुकेशन के शीर्षक से प्रकाशित किया गया। इसी के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे प्रोफेसर शंकर शरण से, जो कि एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति को। सर, बात हो रही है लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, तो अगर आप हमें बता पाएं कि लॉर्ड मैकॉले थे कौन पहले? लॉर्ड मैकॉले एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। पहले वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, लेकिन उनके परिवार की स्थिति खराब हो गई तो आर्थिक कमाई के लिए उस समय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते थे, इंग्लैंड से भारत आते थे ताकि उनको थोड़े समय में ज़्यादा पैसे मिले। तो लॉर्ड मैकॉले भी एक तरह से धन प्राप्ति के लिए यहाँ नौकरी करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जब यहाँ आए तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ के गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो उनके सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन वो साहित्यकार के अलावा कवि भी थे और बाद में इतिहासकार के रूप में वे प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पर उन्होंने न केवल शिक्षा नीति बल्कि इंडियन पेनल कोड जो आज चल रहा है उसको भी बनाने में उनका योगदान रहा है। फिर यहाँ से वापस लौटने के बाद भी वे पॉलिटिशियन रहे, लेकिन कवि और इतिहासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। तो ये मोटे तौर पर उनका व्यक्तित्व है। सर, आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल रिलेटेड टू लॉर्ड मैकॉलेज डॉक्यूमेंट, और तब मुझे पता लगा काफ़ी सारी गलत फहमियाँ हैं, काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू मैकॉले, तो अगर आप हमें लिस्ट डाउन कर पाए। हाँ, ये बात तो है। दरअसल जब भी शिक्षा नीति की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के बहस में मैकॉले का नाम जरूर आता है। कुछ ज़्यादातर लोग निंदा में कहते हैं कि ये मैकॉले की शिक्षा नीति हम लोग ढो रहे हैं और ये लगभग 200 साल होने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सोशल मीडिया में या अखबारों में चर्चा होती है तो कभी कभी कुछ गलत बातें भी उनके बारे में आती हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध है उनके बारे में कि मैकॉले ने कहा था कि मैं ये पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा लेकिन मुझे कहीं कोई भिखमंगा या चोर व्यक्ति नहीं मिला। इस देश के लोग नैतिक रूप से इतने उन्नत हैं कि जब तक हम उनके आत्मसम्मान और उनके आत्मविश्वास और उनकी सांस्कृतिक परंपरा विरासत को तोड़ करके ना रख दें, तब तक हम उन पर अपना मानसिक और अंग्रेजी प्रभाव ना बना पाएंगे और उनको वैसा शासित झुका हुआ देश नहीं बना सकेंगे जैसा हम चाहते हैं। ये लॉर्ड मैकॉले के नाम से ये बात प्रसिद्ध है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। उनका जो वो मिनट ऑन एजुकेशन है 2 फरवरी 1835 को, इनफैक्ट उन्होंने अपने जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल उनको लिख करके दिया था, और वो बिल्कुल छोटा सा 4 पन्ने का दस्तावेज है। कुल 36 पॉइंट्स में उन्होंने अपनी बातें रखी थी और उसमें उन्होंने एक एक करके अपने तर्क दिए थे कि क्यों भारत में अंग्रेजी शिक्षा चलनी चाहिए। और नोट करने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज उनसे सहमत थे, बल्कि अधिकांश अंग्रेज चाहते थे कि चूंकि ये एक फॉरेन कंट्री को हम रूल कर रहे हैं और इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी और ज्ञान परंपरा वाला है, और इनकी यहाँ की धर्म संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण और मशहूर है, तो अच्छा रहे कि इनकी भाषा, इनके साहित्य, इनकी संस्कृति, इनके धर्म का हम सम्मान करें और जैसी शिक्षा ये चला रहे हैं वैसे ही चलने दें। और चूँकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार भी उसी को मदद दे, और वही नीति चल रही थी। लेकिन जब 1835 में शिक्षा पर एक कमेटी बनी जिसका चेयरमैन मैकॉले को बनाया गया, तो मैकॉले ने शुरुआत ही यह की कि भाई ये जो शिक्षा नीति चल रही है यह बिल्कुल गलत है। और लेकिन उनके तर्क बिल्कुल अलग थे। ये बात सच है कि उन्होंने पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करके अंग्रेजी और यूरोपीय शिक्षा देने का प्रस्ताव किया, लेकिन उनके आर्गुमेंट, उनके तर्क बिल्कुल अलग थे जो हमारे यहाँ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। सबसे पहली बात तो उनकी यह थी कि ये जो शिक्षा प्रणाली चल रही है ये सड़ी गली और बेकार है, इस शिक्षा में कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ करके जो लोग तैयार होते हैं, जैसे उसने उदाहरण दिया उस मिनट में कि संस्कृत कॉलेज में लोग 10-12 साल अपना समय लगाते हैं
और जब वहाँ से ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं तो फिर आकर के सरकार को आवेदन देते हैं कि अब हमें कोई काम दीजिए, क्योंकि ये पढ़ करके तो ना हमें कोई सम्मान मिलता है ना कोई काम मिलता है। तो इस तथ्य को रख करके मैकॉले ने कहा कि जब ये शिक्षा इतनी बेकार है तो हम क्यों इस शिक्षा को मदद करें और इसमें सरकार क्यों अनुदान दे रही है। तो ये उनका प्रधान तर्क था कि ये जो पारंपरिक शिक्षा चल रही है वो हानिकारक है, उसमें कुछ चीज़ नहीं है, इसलिए उनको बदल देना चाहिए। सर, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें प्रश्न प्राप्त हुए हैं। एक प्रश्न यहाँ पर लेना चाहूँगी, प्रीति जी का प्रश्न है, व्हाई लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशन? उसका कारण यही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो जो कमिटी फॉर पब्लिक एजुकेशन बनी थी या बोर्ड फॉर पब्लिक एजुकेशन बनी थी, जिसका चेयरमैन लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया, तो उसको ये तय करना था कि जो अनुदान कंपनी ने तय किया है, संभवतः उस समय 1,00,000 रुपये वार्षिक था, जो बहुत बड़ी रकम होती थी उस ज़माने में, तो इस रकम को वो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो यहाँ पर संस्कृत में और फारसी अरबी में चलती थी, पंजाब में गुरुमुखी में भी चलती थी, तो इन सब जो पारंपरिक विद्यालय हैं उसी को सरकार फाइनेंस करती थी, अनुदान देती थी। मैकॉले ने कहा कि इसको बंद करना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा चलानी चाहिए। चूँकि उसके तर्कों के बाद वो बात एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि उसने यहाँ तक कहा था कि अगर हमारी, उनके तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि उसको एक एक करके हमें देख लेना चाहिए। और ये कैन आई गो फॉर स्लाइड? जी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके कुछ और भी प्रश्न हैं तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। जी सर। तो जैसे ये पहली बात ये थी कि लोग, ये जो सबसे प्रधान तर्क था मैकॉले का वो ये, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी सारी शिक्षा नीति, उनका पूरा तर्क इसी एक बिंदु पर खड़ा था, जिसको नींव कह सकते हैं। उनकी नींव ये थी कि संस्कृत में, फारसी में, अरबी में कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास है, और उस चीज़ को हम क्यों पढ़ा रहे हैं। मजे की बात है कि लॉर्ड मैकॉले ने भी कहा कि मैं संस्कृत या फारसी अरबी नहीं जानता, लेकिन जो उसके अनुवाद मैंने पढ़े हैं, मैकॉले कहता है कि उसके जो अनुवाद मैंने पढ़े हैं और जो जानकार यूरोपीय लोग हैं, वो उनसे बातचीत करके उनको यह समझ में आया कि इन दोनों भाषाओं में कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास भरे हुए हैं, और इसीलिए इसके आधार पर इस जनता का, जिस जनता का एक तरह से ब्रिटिश ये कंपनी सरकार गार्जियन है, उसको हटाना चाहिए, और जनता की भलाई के लिए यह जरूरी है कि उनको यूरोपीय और अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए। और मजे की बात है कि उसने ऐतिहासिक उदाहरणों का भी उल्लेख किया और उसमें स्वयं इंग्लैंड का उदाहरण दिया कि 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप और इंग्लैंड, यूरोप के कई देश, पश्चिमी यूरोप के कई देश जिस अवस्था में थे उसको याद करते हुए मैकॉले कहता है कि अगर उस समय उन लोगों ने ग्रीक और रोमन साहित्य को नहीं पढ़ा होता, पढ़ना शुरू नहीं किया होता, और जो अपनी ही पारंपरिक पुस्तिकाओं में जो विवरण राजाओं के होते थे और जो छोटी मोटी कहानियाँ होती थी, अगर वही उनकी कुल शिक्षा रह गई होती तो इंग्लैंड का तो कुछ भी विकास नहीं होता। फिर वो रूस का भी उदाहरण देता है कि रूस भी बर्बर अवस्था में था और उसको भी यूरोपीय भाषाओं के साहित्य ने ही सभ्य बनाया। तो इन तर्कों का उपयोग करके मैकॉले ने कहा कि भारतीय जनता को भी अगर आगे बढ़ना है, उन्नत होना है, तो उसको कोई न कोई यूरोपीय भाषा पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसी में उनका विकास हो सकता है। और ये यही उनके सारे तर्क का मूलाधार है। लेकिन रोचक बात यह है कि ये तथ्य ही सत्य नहीं था। जी सर, यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहूँगी, निर्मला जी का प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ कि लोग अपनी ही भाषा की किताबें नहीं खरीदते थे, जैसे हिंदी, संस्कृत या अरबिक, और उनका ये तर्क कि पीपल विल इन्वेस्ट ऑन इंग्लिश बुक्स ओनली? हाँ, ये भी बहुत रोचक बात है, बल्कि मैकॉले ने अपने मिनट में इसका भी उल्लेख किया था कि सरकार की, वास्तव में भारत के लोग भी अंग्रेजी ही पढ़ना चाहते हैं, हालांकि उसकी ये रीडिंग सुपरफिशियल थी, ऊपरी थी, लेकिन उसने आंकड़ों से कहा कि सरकार जो संस्कृत में और फारसी में किताबें छापती है और वो सुलभ करती है, उसको लोग खरीदते नहीं हैं, बल्कि बाद में उसको मुफ्त में बांटना पड़ता है और तब भी वो गोदामों में रह जाती है। ये मैकॉले का तर्क था। और उसकी दूसरी ओर उसने ये भी तर्क दिया कि जो अंग्रेजी पुस्तकें छापने वाली जो संस्था है, वो किताबें छापती है, लोग उसको खरीद के पढ़ते हैं,
तो आपके प्रश्न से ये जुड़ी हुई बात यह है कि अगर मैकॉले का तर्क ये था कि लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और संस्कृत और फारसी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसका कारण एक एक सीमित वर्ग के लिए सही था, क्योंकि चूंकि कंपनी की सरकार थी, लोग शासन जो लोग महत्वाकांक्षी थे, शासन से काम कराना चाहते थे या शासन में आना चाहते थे, सत्ता से जुड़ना चाहते थे, वे कुछ लोग जरूर अंग्रेजी की ओर मुखातिब हुए थे। बल्कि बाद में जो सरकार ने सर्वेक्षण किए, बहुत बाद में 30-35 सालों के बाद, तो उसमें पता ये चला कि जो लोग सरकार की ओर निकट आना चाहते हैं, वे बड़े बड़े उत्साह से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और अपनी अंग्रेजी ज्ञान के बल पर वो सरकार के निकट आने में सफल होते हैं। तो एक छोटा वर्ग ऐसा जरूर था जो अंग्रेजी सीखना चाहता था और उसने बहुत उत्साह से सीखा, लेकिन पूरे भारत के लिए और पूरे भारत की शिक्षा के लिए यह कहना सही नहीं था जो मैकॉले ने कहा कि कोई संस्कृत और अरबी और फारसी नहीं पढ़ना चाहता, गुरुमुखी नहीं पढ़ना चाहता और सबके सब अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रश्न उस सीमित लोगों के लिए सही था कि कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते थे और अंग्रेजी में ही अपना काम करना चाहते थे, लेकिन पूरे भारत के लोगों के लिए ये बात उस समय भी सही नहीं थी। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न लेती हूँ रेणुका जी का। डू यू थिंक लॉर्ड मैकॉले वॉज ट्राइंग टू इक्वलाइज बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरियंस एज ही वॉज वेरी मच अवेयर दैट दोज हु यूज इंग्लिश एट दैट टाइम बिलोंग्स टू द एलीट एंड द हाई क्लास? यस, टू सम एक्सटेंट यस, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो ये जो भ्रम है मैकॉले के बारे में कि उसने कोई षड्यंत्र करके यहाँ की भाषाओं और यहाँ के साहित्य को ख़त्म किया और अंग्रेजी शिक्षा को लादा, उसने अंग्रेजी शिक्षा को लादा, ये बात सही है, लेकिन उसके पीछे की भावना उसकी ये नहीं थी कि वो कोई षड्यंत्र कर रहा था। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि उस कमिटी में जिसमें सारे अंग्रेज लोग ही थे, वो मैकॉले से सहमत नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि भारतीयों को जीतने के लिए, भारतीयों को अपने प्रति नरम रखने के लिए ये अच्छा है कि वो जिन चीज़ों को महत्व देते हैं, अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य, उसका हम भी आदर करें, मतलब अंग्रेज भी आदर करें। लेकिन मैकॉले का कहना ये था कि ये वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए। और दूसरी बात यह कि जैसा यूरोप के उदाहरण से भी उसने खुद कहा कि किसी भी जनता को आगे बढ़ने के लिए वास्तव में ज्ञान जहाँ भी है वहाँ से लेना चाहिए, और मैकॉले ने ग्रीक साहित्य का उल्लेख किया, प्लेटो और ग्रीक थिंकर्स का, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो बातें हैं वो ग्रीक ज्ञान परंपरा से बहुत भिन्न नहीं है, उसमें काफ़ी समानता है। लेकिन चूँकि मैकॉले को संस्कृत और फारसी साहित्य जो भारत में शिक्षा में प्रचलित था उसकी पूरी जानकारी नहीं थी, और जो जानकारी उनको मिली वह भी दोषपूर्ण थी, उनको यूरोप के सारे विद्वान जो वास्तव में संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित थे, किसी कारण उनको उसका पता नहीं था, लेकिन उसकी भावना जरूर यही थी कि वो भारत के लोगों को यूरोप के लोगों की के विकास की दिशा में लाना चाहते थे। इसमें सद्भाव जरूर था, लेकिन यह सद्भाव कुछ भ्रामक तथ्यों पर आधारित था। जी असर, 36 पॉइंट्स थे उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनकी पॉलिसी में, सो व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट वी गोना डिस्कस? Well, can we go to the slide? Yes. हाँ, तो एक तो ये कि उनका ये कहना था कि भारतीय लोग भी अंग्रेजी ही पढ़ना चाह रहे हैं और लोग संस्कृत, फारसी, अरबी पुस्तकें उन पर लाद करके एक तरह से उनका नुकसान कर रही है। फिर दूसरी बात यह थी कि अगर लोगों को जो चीज़ पसंद आती है उसके लिए तो किसी को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो उदाहरण दे के कहता है कि जब भूख लगती है तो लोग चावल खाते हैं, जाड़े में ठंड लगती है तो गर्म कपड़ा पहनते हैं, तो वो पहनने के लिए किसी को आर्थिक अनुदान देने की तो ज़रूरत नहीं होती, उनको ये कहना तो नहीं पड़ता कि भाई तुम गर्म कपड़े पहनो। तो ये उसके तर्क थे, लेकिन इसके अलावा व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, ये हाँ, एक उनका यह तर्क था कि सत्य के प्रचार के लिए भी किसी को इनाम या रिश्वत नहीं देना चाहिए, तो सरकार ये झूठी किताबें, झूठा दर्शन फैलाने के लिए क्यों धन बर्बाद कर रही है। एक प्रश्न ये था उसके पॉइंट्स में, कुछ लोगों ने व्यवहारिक प्रश्न उठाया कि ये विदेशी भाषा कितने लोग सीख पाएंगे, लोग किसी तरह स्पेलिंग वगैरह सीख लेंगे और छोटी मोटी जानकारियां समझ लेंगे, लेकिन एक तरह से तो वो अशिक्षित ही रह जाएंगे, इसीलिए उनको अपनी भाषा में सिखाना चाहिए। तो इसका भी मैकॉले ने उत्तर दिया कि भाई हमारा जो अनुभव है कि जो लोग शासन से जुड़े हुए हैं वो तो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं,
बल्कि उसने तो यहाँ तक कहा कि ये जो कमेटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन है, इस कमेटी के जो लोग हैं इनकी अंग्रेजी जितनी अच्छी है, मैंने पाया है कि कई भारतीय लोगों की हिंदी अंग्रेजी उतनी ही अच्छी है। तो इस तरह की उसने इस आपत्ति का भी उत्तर दिया। इसके अलावा एक बिंदु ये था कि भाई इस देश के लोग बड़े धर्म प्राण हैं, अपने धर्म को बहुत महत्व देते हैं और उनके उनकी भाषा में संस्कृत में और फारसी अरबी में उनकी ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनकी धर्म की पुस्तकें हैं, तो अगर उस शिक्षा को हम ख़त्म कर देंगे तो क्या ये लोग इससे नाराज नहीं होंगे। तो उसमें मैकॉले ने एक सैद्धांतिक अपना मत रखा कि सरकार को धार्मिक अंधविश्वासों का प्रचार करने में धन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी सारी बातें मुख्यतः इस पर आधारित थी कि भारतीय भाषाओं में कोई ज्ञान नहीं है, भारत की धर्म पुस्तकों में सिर्फ अंधविश्वास है, जिसको ज्ञान की पुस्तकें कहते हैं उसमें बेकार की बातें लिखी हुई हैं कि कैसे साफ रहना चाहिए, क्या खाने के बाद क्या करना चाहिए, और इस तरह की जो उनकी सुनी सुनाई बातें उनके पास पहुँची थी। और मैं समझता हूँ कि वो मिशनरी प्रचार पुस्तिकाओं से जो जानकारियाँ मिलती थी उसी तक उनकी जानकारी थी और उसी को उन्होंने अपनी टेक बनाया था जी। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक या एक और उन्होंने पॉइंट उठाया था कि लॉ, उस समय ये हिंदू लॉ होते थे, मोहम्मदन लॉ हिदाया चलते थे, तो लोगों ने अंग्रेजों ने ही आपत्ति की कि भाई जो उनका धर्म उनकी जो कानून है उसको जानने के लिए तो उनकी भाषा पढ़नी जरूरी होगी। तो मैकॉले ने उसका भी उत्तर दिया कि भाई चूंकि एक नया पेनल कोड बन रहा है और भारत में अब वही पेनल कोड नई कानून संहिता लागू होगी, तो ये जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं जब तक ये बड़े होंगे तब तक उनको ये हिंदू लॉ और ये इस्लामिक लॉ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, इसलिए उस कारण से भी उनकी भाषा उनकी साहित्य को पढ़ना कोई उनके लिए आवश्यक नहीं रह जाएगा, ये उनका एक पॉइंट। सर आपकी कुछ बातों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेती हूँ, कविता जी का प्रश्न है, इस शिक्षा नीति का कितना योगदान है भारत की भाषाओं और कल्चरल वैल्यू को टार्निश करने में? हाँ, ये यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, बल्कि उनकी एक जो सबसे प्रसिद्ध बात कही जाती है, एक सेकेंड मैं ये स्लाइड दिखा सकता हूँ, वो जो आता है जो सबसे कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए एग्जैक्ट जो हमारे और ये जो करोड़ों भारतीय लोग हैं इनके बीच अनुवादक इंटरप्रेटर का काम करे, जो सिर्फ अपने रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन अपने विचार में मिजाज में तौर तरीके में सोचने के में और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। तो यही उनका सबसे प्रसिद्ध कहे कोटेशन है या उन पर लांछन है कि उसने भारतीयों को काले अंग्रेज में बदल दिया। हालांकि इसको भी ठीक से समझना चाहिए, मैकॉले का कहना ये था कि इस पूरे 20 करोड़ जनता, उस समय जो पूरी आबादी थी भारत की, जो आज भारत बांग्लादेश पाकिस्तान है, यह पूरा क्षेत्र जो भारत था उसकी आबादी 20 करोड़ थी, तो मैकॉले कहता है कि ये 20 करोड़ लोगों को तो सरकार शिक्षित नहीं कर सकती, उतने साधन नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो कॉलेजेज और शिक्षा संस्थान चल रहे हैं उन शिक्षा संस्थानों में ये जो संस्कृत और फारसी चल रही है इसको बंद करके, वो सारे कॉलेजेस को बंद करके ये पूरे देश में जो महत्वपूर्ण बड़े शहर हैं वहाँ पर अंग्रेजी के स्कूल खोले जाएं और ये कॉलेज अंग्रेजी के हों, और वहाँ पढ़ करके हम एक ऐसा इंटरप्रेटर वर्ग, दुभाषिया वर्ग तैयार करें जो कि अंग्रेजों और भारतवासियों के बीच आदान प्रदान का काम कर सके। मैकॉले की कल्पना ये थी कि ये लोग चूंकि यूरोपीय और अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके सभ्य हो जाएंगे और तब ये भारतीय भाषाओं में उस यूरोपीय और अंग्रेजी ज्ञान को लाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो उनकी गिरी हुई भाषाएं हैं जिसमें कोई ज्ञान नहीं है मैकॉले के अनुसार, उसमें वो यूरोपीय ज्ञान आएगा और तब धीरे धीरे पूरे भारतीय लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो ये उसकी सबसे प्रसिद्ध बात हुई है कि उसने भारतीयों को शरीर से भारतीय और मन से और बुद्धि से अंग्रेज बनाना चाहा था, अंग्रेजों का एक तरह से पिछलग्गू या अनुयायी बनाना चाहा था। ये बात मोर और लेस बाद में सही साबित हुई, लेकिन मैकॉले की कल्पना ये थी कि यह एक छोटा सा वर्ग होगा और बाकी उसका काम होगा अपने ही देश के लोगों को यूरोपीय ज्ञान से शिक्षित करना। लेकिन जैसा कालक्रम में देखा गया कि धीरे धीरे पूरे भारत की शिक्षा चूंकि उस दिशा में चली गई, इसलिए यह दुभाषिया वर्ग न रह करके धीरे धीरे
यहाँ का शासकीय और बौद्धिक वर्ग में बदल गया। सर यहाँ पे एक और प्रश्न लेते हुए, रामेंद्र जी का प्रश्न है, व्हाई मैकॉले चोज ओनली इंग्लिश टू प्रमोट एजुकेशन एंड लर्निंग एज टिल नाउ आवर मदर टंग इज हिंदी? बिकॉज ही थॉट दैट ऑल द बेस्ट नॉलेज वॉज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड बिकॉज इन इंडियन लैंग्वेजेज स्पेशली संस्कृत फारसी अरेबिक दे डोंट कंटेन एनी नॉलेज वर्थवाइल सो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियंस दैट दे शुड रीड इंग्लिश एंड थ्रू इंग्लिश दे शुड नो द ऑल द इंटायर नॉलेज विच यूरोप हैज एंड विच इज़ द ओनली वर्थवाइल नॉलेज सो दैट वॉज हिज रीजन Okay. So, what's the next point, sir, we're going to discuss? No, the main thing is, I think the essential points of Macaulay was just whatever I detailed. वो 36 बिंदुओं में उसने रखे हैं, लेकिन उसकी मुख्य बातें यही हैं. जी. और इस सब के अंत में, बल्कि दो बातें और मेंशन करनी चाहिए. उसने ये भी कहा था कि ये सारे संस्थाओं को जो संस्कृत कॉलेज चल रहे हैं, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज होता था, उसमें संस्कृत की पढ़ाई होती थी. दिल्ली में एक ये कोई कॉलेज था जहाँ सबसे बड़ी संस्था थी जहाँ पर ये अरबी फारसी की पढ़ाई होती थी. उनका कहना था कि इसको इसमें ये अरबी और संस्कृत बंद करके यहाँ सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए. बट नॉट ओनली दैट, उसने यहाँ तक कहा कि अगर कमेटी उसकी बात मानती है तब तो वो एजुकेशन के काम में लगे रहेंगे, और नहीं तो वो इस्तीफा देते हैं और फिर कमेटी जैसे चाहे चलाए. क्योंकि ही वॉज एडामेंट एंड ही वॉज आइडियलिस्ट एनफ कि भाई अगर ये बात नहीं चलती है तो मैं कोई नकली काम नहीं कर सकता. सो ही वाज सो आइडियलिस्ट इन दैट वे. सो आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ मिस्टर लोकेश एंड ही वांट्स टू अंडरस्टैंड सो रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज इन लैंग्वेज इन इंडिया. यस, इनफैक्ट व्हेन वी से ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक जैसी शुरू से नहीं थी. भारत में लगभग पहले 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था. सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार का यहाँ दखल नहीं था. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ए ट्रेडिंग कंपनी जिसने धीरे धीरे भारत में अपना भारत पर अपना अधिकार कर लिया. तो टिल 1857 जब वो 1857 का विद्रोह हुआ और जब उस पर वो बहुत बड़ी उथल फुथल हुई, उसके बाद जाकर के सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहाँ शासन हुआ. उससे पहले तक यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन था, और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो कंपनी के ही वाइस गवर्नर जनरल थे. उस समय तक ये पोस्ट होती थी, और ये लॉर्ड मैकॉले उसी के उस जो सहायक मंडल थे उसी के एक सदस्य थे. तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया हाउस लंदन में बैठती थी और वो कंपनी का शासन था. तो कहना चाहिए कि टिल 1857 जो भारत में 1835 से लेकर के 57 तक जो शिक्षा नीति चली, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की थी. लेकिन एक चीज़ नोट करना चाहिए कि यह सच है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकॉले के सुझावों को स्वीकार कर लिया एंड ही पुट हिज साइन कि हाँ, जो मैकॉले का कहना है ये तर्क सही है और हमें इसी पर चलना चाहिए. बट वेरी सून विद इन 4 ईयर्स लॉर्ड विलियम बेंटिक 39 में उनका टर्म खत्म हो गया और लॉर्ड मैकॉले भी 1839 में इंग्लैंड वापस चले गए. तो बाद में जिन लोगों ने शासन संभाला और ये नीतियाँ तय की, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला. उन्होंने एग्जैक्टली मैकॉले की नीति को लागू नहीं किया. उन्होंने संस्कृत और फारसी कॉलेजों को और शिक्षा संस्थानों को भी अनुदान देना जारी रखा, लेकिन साथ ही साथ नए जो अंग्रेजी संस्थान शुरू हुए थे, स्कूल और कॉलेज, उसको भी चलाया. तो एक तरह से मिली जुली नीति ही रही, लेकिन मुख्य बात यह थी कि चूंकि शासन की भाषा अंग्रेजी थी और इसीलिए धीरे धीरे जो महत्वाकांक्षी भारतीय वर्ग था या जिनको ऐसा लगा कि अगर हमें दुनिया में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी को पढ़ना होगा, तो स्वेच्छा से ही धीरे धीरे भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख होते गए. इसका यह मतलब नहीं था कि उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी भाषा, अपने साहित्य को छोड़ दिया. वह चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम का प्रसार भारत में हुआ, वो भारतीयों द्वारा स्वैच्छिक रूप से हुआ. लेकिन इस स्वेच्छा में मुख्य कारण यह था कि उनको ये लगा कि शासन में और सत्ता में अगर आगे बढ़ना है और दुनिया में भी आगे बढ़ना है तो हमें अंग्रेजी शिक्षा पानी चाहिए. और इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजी फैलती गई और भारतीय भाषाओं की शिक्षा संकुचित होती गई. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेजी शासन 1947 तक भारतीय भाषा में पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी वो कमोबेश चल रही थी, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी. जी,
तो सर कंपनी सरकार का निर्णय भी मैकॉले के पक्ष में था? हाँ, 1835 में जब वो कमिटी डिस्कस कर रही थी तो वहाँ पर चूंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी उसकी बात मान ली लॉर्ड मैकॉले की, और उसने अपनी बातें इतनी फोर्स के साथ, इतने आर्गुमेंट और डाटा वगैरह के साथ दी, जैसे उसने बाकायदा डाटा दिया कि सरकार संस्कृत और फारसी की कितनी किताबें उसने छापी हैं, कितनी किताबें छपी हुई हैं, कितनी किताबें गोदाम में पड़ी हुई हैं, और दूसरी ओर उसने आंकड़ा दिया कि जो अंग्रेजी की साहित्य, अंग्रेजी का साहित्य जो छाप रही है कंपनी या जो संस्था, वो मुनाफा कमा रही है उसको बेचकर। तो इस तरह से उसने इतनी तैयारी के साथ अपने तर्क रखे। लेकिन ये नोट करने की बात है, बल्कि सबके समझने की बात भी है, कि एक गलत प्रमाइसेस पर, गलत पूर्वाधार पर ही उसके सारे तर्क खड़े थे। लेकिन चूंकि उसमें निष्ठा थी, उसमें इस बात का आत्मविश्वास था कि जो वो कह रहा है सही कह रहा है, और लोगों के भले के लिए कह रहा है, कंपनी के भले के लिए कह रहा है, इसलिए उस समय उसकी बात मान ली गई। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चली, और विद इन फ्यू ईयर्स कंपनी ने उसको सुधार करके फिर मिली जुली नीति चलाई। जी सर, यहाँ पे एक प्रश्न लेना चाहूँगी, उस्मान जी का प्रश्न है। वो समझना चाहते हैं मैकॉले की मिनट टू मिनट स्पीच में ही हैज यूज्ड अ टर्म लर्न नेटिव अगेन एंड अगेन, तो इसका क्या अर्थ है? लर्न नेटिव मीन्स द लिटरेचर एंड एजुकेशन अवेलेबल इन नेटिव लैंग्वेजेस, दैट इज वट एवर इज अवेलेबल इन संस्कृत फारसी, दैट इज कॉल्ड द नेटिव एजुकेशन, दैट वॉज कॉल्ड द नेटिव एजुकेशन। यहाँ पे मिस प्रिया सहगल जी का प्रश्न है। लॉर्ड मैकॉले हैड वंस सेड English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic. What's your take on this statement? I would again say that he was mistaken. Lord Macaulay was mistaken. He said, and it is very interesting, he gives two examples. He says ki Sanskrit aur Arabi mein jitna bhi sahitya hai pure sansar mein, un sab mein jitna gyan hai, woh kisi Europe ki library ki ek almari ke ek shelf mein jo pustakein rakhi hain, उसके बराबर भी उसका मूल्य नहीं है। तो उसने ये छवि दी कि पूरे संस्कृत में जो संपूर्ण ज्ञान और ग्रंथ है, और अरबी में, फारसी में है, उसका उतना भी वैल्यू नहीं है जो यूरोप की किसी साधारण लाइब्रेरी के एक अलमारी के एक शेल्फ में रखी हुई की पुस्तकों में। एक दूसरी उपमा भी वो देता है मैकॉले कि ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, भारत में युवाओं को और बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है संस्कृत और फारसी में, उसमें जो जानकारियां हैं, फैक्ट्स, वो उतने भी नहीं हैं जितने इंग्लैंड के किसी प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी में जो एब्रिज्ड वर्सन होते हैं पुस्तकों के, छोटे छोटे बच्चों के लिए, उसमें जितनी जानकारियां हैं उतनी भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये एक मिस्टेकन नोशन पर उनका सारी संरचना शिक्षा नीति की खड़ी थी। लेकिन यह एक विडम्बना है कि उस समय वही स्वीकार कर ली गई, और बाद में भी धीरे धीरे ऐसा साबित हुआ कि हमने अपनी ज्ञान परंपरा को धीरे धीरे कम महत्व दिया, और जो यूरोप की ज्ञान परंपरा है और अंग्रेजी साहित्य है उसी को प्रधान मान लिया। जी, तो मैकॉले की बात गलत आधारों पर खड़ी होते हुए भी विडम्बना है कि उसको बाद में भारत के लोगों ने ही उसको स्वीकार कर लिया। जी सर, यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स का एक प्रश्न था, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग अबाउट द मैकॉले'स पॉलिसी इन अ करेंट सिनेरियो? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज ऑन इट इज ऑलवेज सेड दैट मैकॉले इज द कल्प्रिट, बट आई थिंक दैट मैकॉले इज गॉन लॉन्ग एगो। उनकी मृत्यु तो 1859 में ही हो गई थी, 59 वर्ष की आयु में ही वो दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी नीति आज तक चल रही है, और आज तक हम उनका नाम ले रहे हैं। बल्कि कई लोगों को मानना है, भारत में ही कई लोगों का मानना है कि इंग्लिश इज़ गोइंग टू स्टे, और परहैप्स ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। लेकिन ये बात विवादास्पद है कि अगर स्वतंत्र भारत में भाषा अंग्रेजी के बदले संस्कृत होती, और शायद बहुत लोग इसको नहीं जानते कि जब संविधान सभा में भाषा का प्रश्न, राजभाषा का प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, तो आधे लोग अंग्रेजी के पक्ष में थे और आधे लोग संस्कृत के पक्ष में थे, किसी तीसरी भाषा का नाम नहीं था। जी। लेकिन इस क्षमा कीजिए, आधे लोग संस्कृत के पक्ष में थे और आधे लोग हिंदी के पक्ष में थे, अंग्रेजी का नाम भी नहीं था। लेकिन अंग्रेजी को एक वोट से संस्कृत हार गई और हिंदी राजभाषा बन गई प्रेसिडेंट के वोट से।
संस्कृत को सेकंड भाषा का दर्जा दिया गया, एसोसिएट भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजी प्रधान हो गई। और हमें यह नोट करना चाहिए कि 1947 के बाद आज तक जो चल रहा है उसकी जिम्मेदारी अच्छी या बुरी हमारी है। अब उसके लिए हमें विदेशियों को या मैकॉले को दोष देना बंद करना चाहिए और नए सिरे से इस पर सोचना चाहिए कि उससे हमें क्या मिला और क्या हमारा छूटा। और समझता हूँ कि ये नई शिक्षा नीति की चर्चा में शायद इस पर हम लोग चर्चा कर पाएंगे। जी, तो इसी के साथ आज हमने जाना मैकॉले की शिक्षा नीति को और उससे जुड़े मिसकंसेप्शंस को भी हमने काफ़ी बेहतर तरीके से जाना। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बात करेंगे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पर। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। तब तक देखते रहिए किशोर मंच।